चेयर्स, आई मीन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और मैं शामिल करूंगी आज एक बेस्ट कमेंट ऑफ द शो के सेगमेंट में एक ऐसा कमेंट जिन्होंने या जिनके कमेंट की वजह से यकीनन मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो डबल हो जाता है, बल्कि डबल ट्रिपल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमारे शो में कमेंट किया है मेरे टीचर हैं और प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया, अपनी राय का इजहार किया और आपकी ये सपोर्ट जो है ना यकीनन मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो और ज़्यादा कर देती है, डबल कर देती है। और उन्होंने कमेंट किया है कि ऑसम वर्क। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स हमें रिसीव हो रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे यकीनन इस हवाले से भी और इस हवाले से भी कि ये जो चीज़ें हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं और हम भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम गाड़ी में जा रहे हों लेकिन हम उसमें पेट्रोल डलवाना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता या कभी कभी इंडिकेशन को हम उस तरह से देख नहीं पाते। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेट्रोल पंप होता है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है और फिर क्या होना है, फिर बस हमें थोड़ा सा धक्का ही लगाना पड़ता है ना, थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है। तो जब भी आप सफ़र के लिए बाहर निकलते हैं तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो पूरी कर लिया करें, पहले सोच लिया करें कि आपको क्या क्या चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी अगर हम अपनी पर्सनल कन्वेंस पे जा रहे हैं, अगर हम अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी में पानी की बॉटल नहीं होती है, क्योंकि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे होते हैं तो तब तो शायद हम ये सोच सकते हैं ना कि अच्छा ऐसे जाना है वैसे जाना है, फिर अड्डे पे जाएंगे, बस मिलेगी, आगे जाएंगे और उसके बाद कहीं हम पहुंचेंगे। तो ऐसे में अगर आपके साथ आपके दोस्त हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि दोस्त आपको कोई ऐसी चीज़ें याद ना दिलाएं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। कहीं कहीं यही दोस्त होते हैं कि वो जानबूझ के याद नहीं दिलाते, या फिर अगर उनके पास वो चीज़ें मौजूद भी होती हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको तंग करना वो ज़रूरी समझते हैं, बल्कि अपना फ़र्ज समझते हैं। और यकीनन इसी दोस्ती के साथ ही मोहब्बत है, रौनक है और आप मस्तियां कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं क्योंकि पल खुशियों के मुमकिन है। हमें कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शामिल हुए हैं खालिद महमूद और वो ये कहते हैं, इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं और चले मैं कुछ दो तीन पढ़ देती हूँ, शामिल कर लेती हूँ आज के शो में, क्योंकि फिर और लोगों की भी जो है ना हमें ये भी शामिल करना होता है, राय को शामिल करना होता है, क्योंकि आपकी राय बेशक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैसेज करते हैं यानी कि कमेंट कर रहे हैं कि कमाल की कंपेयरिंग, थैंक यू सो मच। और उन्होंने लिखा है आपकी तबीयत कैसी है, फीवर का सुनाए। अच्छा, तो यानी कि आपने मुझे यकीनन वहाँ भी देख लिया है। सो फीवर, तबीयत तो मौसम की लपेट में मैं तो आ गई हूँ। मैंने तो पहले ही बताया था कि इतना ख्याल रखने के बावजूद भी शायद वो ना कहते हैं कि जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं ना तो फिर आपके साथ वैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो फीवर काफ़ी हद तक बेहतर है और लेकिन अगर मैं सोचती रहूँगी तो फिर तो मुझे फीवर ही रहेगा, लेकिन अगर मैं नहीं सोचूंगी तो मुझे फीवर नहीं होगा। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द अच्छी तरह से सेहतयाब हो जाऊँ। सामीन हमारे साथ शामिल हुए आज के शो में बागी MB के नाम से उनकी ID है, फेसबुक ID। वैसे कभी कभी कुछ लोगों की ऐसी भी IDs होती हैं या ऐसे नाम भी होते हैं कि वो वाकई पढ़े नहीं जाते पहली दफ़ा देखने में। खैर, उन्होंने हमसे कहा है कि AOA अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आई एम फ्रॉम सिंध। सिंध में हमारा शो सुना जा रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी बागी MB, आप बताइए कि सिंध की कोई स्पेशल बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें ताकि हम उस बात को आज पंजाब में भी बताएं। बहुत ही अच्छी बात, और अच्छी बात ये है कि जब आप किसी की बात का फ़ौरन से जवाब दे देते हैं, इट्स मीन के और मुझे भी पता चलता है कि अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं। और जनाब हमारे साथ बागी MB जिनसे मैंने सवाल किया था कि आप सिंध की कोई ऐसी बात बताएं जो हम पंजाब में भी शेयर कर सकें, तो उन्होंने लिखा है कि सिंधी मेहमान नवाज हैं। अच्छा, यानी कि सिंध के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। ओह नाइस।
तो सामने जब कभी आपके दोस्त आपको तंग करते हैं, क्योंकि वो तो फर्ज समझते हैं अपना आपको तंग करना, अगर आपको तंग कर भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उनको माफ़ कर दिया करें क्योंकि कुछ नहीं होता। और हाँ, माफ़ भी कर दिया करें और साथ में ना उनसे कभी ना कभी बदला भी ज़रूर लेना है आपने। क्योंकि अगर एक दोस्त सच्चा दोस्त है आपका और वो आपसे मजाक कर रहा है, अगर आप उसको बर्दाश्त करें तो यकीनन वो आपके मजाक को भी बर्दाश्त करेगा। लेकिन हाँ, मजाक मजाक होना चाहिए, कोई ऐसा ना हो जिससे उसके दिल आजारी हो या फिर कोई ऐसी बात जिससे उसको कोई परेशानी हो। क्योंकि सडनली कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए सिर्फ मजाक में। इवन अगर कभी ऐसा सच में भी हो जाता है, हकीकत में भी अगर ऐसा हो जाता है कि अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है, अगर कोई ऐसी सैड न्यूज़ होती है, तो वो अपने दोस्तों के साथ बहुत तरीके के साथ, आराम के साथ, ठहर ठहर कर शेयर किया करें। इंजॉय कीजिएगा आज का OST, हमारा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट को मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाएगा मत, क्योंकि हमारे साथ रहेगा 3 बजे तक। मेरा ख्याल है कि आज बहुत सारी बातें होगी फेसबुक लाइव के जरिए, आप कुछ बातें करते हैं हम, और आप उन बातों को सुनिए, और इंशाल्लाह मैं साथ साथ कमेंट्स भी शेयर करती रहूंगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मेरे बेस्ट कमेंट ऑफ द शो के सेगमेंट में शामिल हों, तो फिर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अच्छा सा कमेंट से मुराद ये है कि आप अपनी राय का इजहार दीजिए मुझे, जो सबसे ज़्यादा, सारे ही कमेंट्स अच्छे होते हैं, सारी ही बातें अच्छी होती हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी अपने मुताबिक आपसे बात करता है, मैसेज करता है, आपके साथ मैसेजेस शेयर करता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ मैसेजेस शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट शो में। हमारे साथ शामिल हुए हैं बस्ते अल्लाह नवाज खान, बस्ती मस्तियाँ BWP कैंट से, और कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू हेल्थ, यानी कि आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की, थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं आप ठीक भी हो रही हूँ। तो लिस्टनर्स इंजॉय कीजिए, व्यूअर्स इंजॉय कीजिए अपने इन सॉन्ग्स को, इन OSTs को, इन प्यारे प्यारे से गीतों को, ट्रैक्स को मेरे साथ रहिए, कहीं जाएगा मत, क्योंकि हमारा साथ रहेगा 3 बजे तक। और अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो अभी कर लीजिए रेडियो पाकिस्तान की एप्लीकेशन डाउनलोड, और मुझे सुनिए FM 101 बहावलपुर।